हमारे साथ अकेला जी हैं, सीनियर विधायक हैं, लेकिन पता नहीं इस मंत्रिमंडल में इनकी चर्चा हो रही है कि नहीं, कब ले मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा? देखिए, 2-4-5 दिन में पार्टी तय कर देगी। इतना समय क्यों लगाइएगा, 4-5 दिन? अब हम कह रहे हैं ना, नेतृत्व करेगा ना, हम करेंगे क्या? नहीं तो आप लोग इतना दिन तो हैदराबाद में बिताए, इतना दिन सर्किट हाउस में बिताए, ये सब चर्चा नहीं हुई? एक्चुअली वो सब कोई चर्चा नहीं हुई, वो कोई चर्चा नहीं हुई, सिर्फ हम लोग कहे कि खंड खंड में रहोगे तो अंग्रेजों जैसा हम लोग को गोली मार देगा। अच्छा, हाँ, यहाँ खंड खंड हम लोग का नहीं रहना है, यदि जो मरना है तो एक साथ मरो, खंड खंड मरोगे तो हमारे कभी जिंदा नहीं रहोगे। इसलिए हम लोगों ने अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए एक साथ रह करके इंजॉय भी किया और आज हम लोगों ने विधानसभा में उसका जवाब भी दे दिया। तो अभी अकेला जी पूरी तरीके से रिलैक्स हो गए हैं या लगता है कि नहीं मनी बिल पूरा पास हो जाएगा तब हम रिलैक्स होंगे? रिलैक्स हो गए, मनी बिल कौन रोक लेगा भाई, किसकी औकात है? भारतीय जनता पार्टी की औकात है मनी बिल पास होने में? कोई ताकत नहीं है इस सरकार को डोला दे। आप मंत्री बन रहे हैं या नहीं, मेरा सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिए। मैं भी चाहता हूं कि मंत्री, हम भी सीनियर लीडर हैं, 45 वर्ष मेरी राजनीतिक करियर रहा है, अब बहुत आंदोलनकारी मैं भी हूं, तो निश्चित तौर पे हमारे बारे में पार्टी को सोचना चाहिए। लेकिन एक खबर ये भी आ रही है, चूँकि प्रदीप यादव आप ही के समाज से आते हैं और उनको जगह मिल गया है, आश्वासन मिल गया है, तो फिर आपका पत्ता तो कट गया ना? तो अभी विधानसभा के अंदर प्रदीप यादव JBM है, विधानसभा के अंदर में, लेकिन वो कांग्रेस के डिप्टी लीडर भी हैं। हाँ है, लेकिन विधानसभा के अंदर में JBM कहलाते हैं वो। अब तो इससे क्या हुआ? वही तो कह रहे हैं, शपथ तो ले ही सकते हैं वो, समर्थन दे। हो सकता है कि भाई JBM के कोटा में मिल जाए, कांग्रेस के कोटा में मिलेगा तो अकेला यादव को मिलेगा। आपके जो साथी मित्र हैं इरफान अंसारी, वो भी कह रहे हैं कि उनको भी मिलना चाहिए, सेकेंड टाइमर वो विधायक हैं। तो क्या लग रहा है कांग्रेस में अभी बहुत ज्यादा खिचपीच हो रहा है मंत्री पद को? आप लोग क्यों कह रहे हैं कि पुराने को हटना चाहिए, इसका सीधा सा जवाब दीजिए ना। सबको मान सम्मान मिलना चाहिए, जगह मिलना चाहिए, तो पुराने को क्यों हटना चाहिए? उसको 4 साल मिल गया ना, 4 साल मिला ना, मिला तो 1 साल दूसरे को देखे, तो फिर तो 4 दुनिया 8 ही हुआ, फिर बाकी लोग जो रह जाएंगे 10, वो कहेंगे हमको कब मौका मिलेगा? आने वाला समय में मिलेगा, अगला बार में हम लोग 45-65 आवेंगे। तो अकेला जी कह रहे सीनियर लीडर है, मंत्री पद का इच्छा है मेरे मन के अंदर, आला कमान को सोचना चाहिए, और जो पूर्व है उसको इसलिए नहीं बनाना चाहिए क्योंकि उन लोगों ने 4 साल अपना टर्म पूरा कर लिया है, अब नए को मौका मिलना चाहिए। अभी देखिए मंत्रिमंडल विस्तार में क्या इतना हर कुछ आसान होगा या किस पिच आगे भी देखने को मिलेगा। शुक्रिया। The followup.in लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in